हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं मुस्कान और आज मैं आपको एक हेयर मास्क बताने वाली हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इससे अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो वो रुक जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो बूस्टअप हो जाएगी, ग्रे हेयर्स हैं तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं ये हेयर मास्क बनाना कैसे है, इसे अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगे। मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए एक एलोवेरा। अगर आपके पास ये एलोवेरा ना हो तो आप मार्केट वाला यूज कर सकते हैं। दो मीडियम साइज प्याज लिए हैं मैंने, जो जिन्हें मैंने कट कर लिया है। ऑलिव ऑयल लिया है एक टेबलस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। मैंने एक चम्मच मेथी दाना लिया है, जिसको मैंने रात को भिगो के रखा था, और एक विटामिन ई की कैप्सूल। अब हम इन सभी को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सी में ऐसे ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, काफी थिक पेस्ट बना है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इस मास्क को अप्लाई करते हैं। हमें अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड करके धीरे धीरे से पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करना है, कुछ ऐसे। मैंने अब ये मास्क अप्लाई कर लिया है। मैं इसे 4 घंटे लगा कर रखती हूँ। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए मिनिमम आप इसे 1 घंटा लगा कर रखें। हे गाइस, आई एम बैक। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हेयर वॉश कर लिया है। मैं बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा सिल्की और स्मूद हो गए हैं। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं 2 हफ्ते में बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। आपको फर्स्ट टाइम से ही इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।